आरती छोटू, आरती इस कदर के भड़की है कि क्या कहा जाए। आप लोग ने वीडियो तो देखा ही होगा, आरती जिस तरीके से भड़क रही है वकील साहब के ऊपर, तो क्यों भड़क रही हो आरती? आरती से हम ये कहना चाहेंगे कि भड़को मत ज़्यादा, और वकील का काम होता है अपने क्लाइंट को बचाना, अपने मुवक्किल को बचाना और बेगुनाह साबित करना। भले वो मुजरिम क्यों ना हो, लेकिन अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश करेगा, वकील का काम ही यही है। तो जिस तरीके से आरती वकील साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि बोलना चाहिए। आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा, ये अधिकार आरती को मिलता है? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं मिलता है। तो नमस्ते प्रणाम, हम गरिमा स्वागत करते हैं अपने नए ब्लॉग के साथ में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, जहां भी हो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे। दोस्तों बात करते हैं आरती के लिए, जिस तरीके से आरती भड़क रही है वकील साहब के ऊपर, तो क्यों भड़क रही है? वकील का काम होता है दोस्तों अपने क्लाइंट को बचाना, अपने जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, जिसको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे, भले वो मुजरिम क्यों ना हो, लेकिन वकील का काम है बचाना। तो वो अपना प्रस्ताव तो रखेंगे, चाहे वो झूठा हो या सही हो, जैसे भी करके वो अपना दाव पेश तो खेलेंगे, क्योंकि वकील का काम ही होता है। लेकिन आरती जो है भड़क रही है, इतना उल्टा सीधा बोल रही है, मतलब अपने आरती के पिता के जो वकील है शिव नंदन भारती जी को इतना उल्टा सीधा बोल रही है कि शायद नहीं बोलना चाहिए, जो शब्द वो शब्द भी बोल गई है। तो हम तो यही कहेंगे कि ऐसा बोलने का अधिकार नहीं है, वो भी एक अधिवक्ता है, एक वकील है, जिसको इतना बड़े बड़े इल्जाम और इतना बड़े बड़ा बात नहीं बोलना चाहिए। और शायद जो है आरती को क्या है दिमाग में इस समय, तो ये नहीं समझ सकते हम। लेकिन कहीं ना कहीं आरती भी गुनहगार हैं दोस्तों। आप एक बात हमको फिर बता दें, मैं फिर वही बात करूंगी कि किसी के दरवाजे पर अगर आप जाएंगे तो क्या वो जबरदस्ती खींच कर मारने ही लगेगा? नहीं, जरूर कोई गलती होगा तभी कोई मारेगा। आरती 2 बजे रात को बुलाई थी, जिसको घर वाले ने देख लिया और अपना आपा खो बैठे और छोटू का अंत कर दिया, जो नहीं होना चाहिए। और आरती जो है जा करके छोटू के घर के तरफ से, छोटू के तरफ से बयान दे दी, जो घर वालों को पूरा मायके, आरती के मायके वालों को हो गई सजा। लेकिन दोस्तों हम ये नहीं कहेंगे कि सजा गलत हुआ, सजा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलती किया था जो नहीं करना चाहिए था, वो गलती किए जिसका सजा उन्हें मिल रहा है। लेकिन आरती भी गुनहगार है। आरती, आप कितने लोग देखे होंगे आरती को बात बदलते हुए, अपना जो है बात है अलग अलग तरीकों से रखती है, बाद में पलट जाती है कि ऐसे नहीं ऐसे था। जबकि एक वीडियो आया था आरती का, तो बोल रही है कि जब से मेरा शादी हुआ है मन्नू से, और मुझे कोई ऐसा दिन नहीं होता कि मन्नू मारता नहीं है, पीटता नहीं है। अगर कोई सब्सक्राइबर आ जाते हैं, अगर हम मिल लेते हैं अपनी मर्जी से, तो लाठी लाठी से मुझे मारा जाता है, ये आरती का कहना है। और मन्नू अगर आरती को कहीं घुमाने ले जाता है तो वहां भी मारता है, पेट भर खाना नहीं मिलता है, मतलब टॉर्चर करता है मन्नू, बहुत परेशान करता है। और दूसरे दिन ही वीडियो लाती है कि वो सब मेरा ही गलती था। तो बताइए, आरती सच बोल रही है? आरती इतनी बड़ी झूठी है कि क्या कहा जाए दोस्तों। और जिसको पता होगा वो जानते ही होंगे, आरती सरासर झूठ बोल रही है। सच को झूठ बनाने में आरती से कोई सीखे? और जब छोटू मरा था, मारे थे उसके घर वाले, तब आरती मीडिया वालों के सामने आकर के बयान दे रही थी, मैं छोटू की विधवा बन के रहूंगी, तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक छोटू को इंसाफ नहीं दिला लूंगी। ये आरती चीख चीख कर मीडिया वाले भाई लोग से बोल रही थी, जब उसका हो रहा था इंटरव्यू, मीडिया लोग ले रहे थे तभी बोली थी। और इंसाफ तो अब हुआ है, और शादी 2 महीने बाद ही, 3 महीने बाद ही कर लेती है। खैर, आरती की अपनी लाइफ है, कैसे जिए वो ठीक है, लेकिन आरती झूठ बोल रही है, ये बहुत गलत कर रही है। और वकील साहब का काम है अपने दल को बचाना, जो वकील साहब बचा रहे हैं, और आरती को लग रही है मिर्ची, आरती इसी से फंसेगी। हम आरती के दुश्मन नहीं हैं, ना उसके घर वाले के कोई सपोर्ट में है, किसी के नहीं है, लेकिन जो सच है उसी को बताएंगे।
लेकिन आरती जो है कहीं ना कहीं गलती कर जाती है और इसी गलती की वजह से आरती फंसेगी। आरती अपने बातों से ही फंसेगी, आप लोग देखिएगा। और दोस्तों क्या कहा जाए, जो नहीं होना चाहिए वो हो चुका है, और उनके घर वाले जो मारे हैं छोटू को, जो बहुत ही गलत है, जिसके लिए मैं भी इसको विरोध करती हूँ कि नहीं मारना चाहिए था। जिस गलती वो किए हैं तो उनको सजा मिला है और मिलना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर सजा आज नहीं मिलता तो उसी को देखकर कोई और भी क्राइम करता। तो इसके लिए जो सजा मिला है अदालत के तरफ से, बहुत अच्छा सजा मिला है कि इंसान के अंदर दहशत होगी कि कभी भी कोई ऐसा जुल्म ना करे। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आरती भी दोषी है, जिस तरीके से आरती बयान देती है और बात बदलती है, उस तरीके से देखा जाए सही तरीके से तो आरती भी दोषी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे। और क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो बाय बाय।